नमस्कार दोस्तों, ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट हो या फिर स्नैक्स में पकौड़े, क्या आप भी बार बार टोमेटो केचप खाने के शौकीन हैं? तो सावधान हो जाए, टोमेटो केचप का जरूरत से ज़्यादा सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वजन बढ़ने से लेकर एसिडिटी और लीवर संबंधी परेशानियों से आपको दो चार होना पड़ सकता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भले ही टोमेटो केचप हम में से अधिकांश लोगों का फेवरेट हो, लेकिन यह बात समझ लीजिए कि जंक फूड के साथ इसका सेवन करना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। कैलोरी में कम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के बावजूद यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। टोमेटो केचप में न तो प्रोटीन होता है और न ही फाइबर या मिनरल्स। चीनी प्रिजर्वेटिव्स, फ्रुक्टोज से भरपूर कॉर्न सिरप, नमक और मसालों से टोमेटो केचप का वो टेस्ट मिलता है। लगभग 17 ग्राम टोमेटो केचप में लगभग 19 कैलोरी होती है, और जब आप इसे तले हुए या जंक फूड के साथ बड़े ही चाव से खाते हैं तो कैलोरी बढ़ना तो तय ही है। केचप के बनाने में डिस्टिल्ड विनेगर को काम में लाया जाता है, जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। यह GMO कॉर्न से बनता है, जिसमें केमिकल और कीटनाशक होते हैं। खत्म हो जाते हैं पोषक तत्व। क्या आपको पता है कि टोमेटो केचप बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को उबाला जाता है, और फिर उनके सारे बीज और स्किन निकाली जाती है। इस प्रोसेस के बाद उन्हें फिर से पकाया जाता है। इतने बार पकाने से और कई देर तक आंच में रहने से टमाटर में मौजूद सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। हो सकती है ये बीमारियाँ। इसे थोड़ा सा टेस्ट के लिए लिया जाए तो ठीक है, लेकिन जब आप ऑयली या मसालेदार जंक फूड के साथ इसका सेवन करते हैं तो शरीर में सोडियम का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट संबंधी परेशानी और कई अन्य स्वास्थ्य विकार पनप सकते हैं। टोमेटो केचप में मैलिस एसिड और साइट्रिस एसिड की मात्रा होती है, जिससे एसिडिटी और हार्ट बर्न की समस्या बढ़ जाती है। फ्रक्टोज से भरपूर टोमेटो केचप में कॉर्न सिरप होता है, जिससे फैटी लीवर की बीमारी, मधुमेह और हृदय संबंधी विकार हो सकते हैं। ये तो आप जानते ही है कि टोमेटो सॉस या केचप बनाने में प्रिजर्वेटिव्स, हाई शुगर कंटेंट और फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती है। प्रोसेस और हाई सोडियम खाने से पेशाब में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और किडनी स्टोन जैसी समस्या हो सकती है। डायबिटीज के मरीजों को भी इससे दूर रहना चाहिए। इसमें मौजूद पका हुआ लाइकोपीन शरीर में आसानी से अब्जॉर्ब नहीं होता है, और इसके चलते कई परेशानियां हो सकती है। केचप को टमाटर से तैयार किया जाता है, और इसीलिए इसमें हिस्टामाइंस की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे एलर्जी की शिकायत भी हो सकती है। बेहतर यही है कि घर का बना ताज़ा और नो प्रिजर्वेटिव्स वाला सॉस ही इस्तेमाल करें, जो आपके टेस्ट के मुताबिक भी हो और जिसमें नमक और चीनी की मात्रा भी संतुलित हो। तो दोस्तों, इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।